मेरे प्यारे नेत्रहीन भाइयों और बहनों, चैप्टर 18, श्लोक 41 से 48, गुनाहों के छूटने का उपाय। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, गुनाहों से छूटने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म गुनाहों में बटे हुए स्वभाव से पैदा होते हैं। समाधान, अनुशासन, तपस्या, स्वच्छता, क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान, अस्तित्व का विज्ञान और भगवान में विश्वास स्वभाव से पैदा हुआ ब्रह्म कर्म है। वीरता, प्रभाव, दक्षता की सोच, युद्ध से ना भागना, देने का भाव और शासन करने का भाव स्वभाव से पैदा हुआ क्षत्रिय कर्म कहलाता है। खेती, गौपालन और व्यापार करना स्वभाव से पैदा करा हुआ वैश्य कर्म है। इन तीनों के लिए सहक और सेवा करने का भाव होना स्वभाव से जनित शूद्र कर्म है। अपने कर्म में लगन से जुटा हुआ मनुष्य इस सिद्धि को पा लेता है। विस्तार में समझाते हुए श्री कृष्ण फिर से समझाते हैं, जब एक मनुष्य अपने कर्म को पहचान कर उस कर्मों को करना शुरू करता है तो वह मनुष्य हर चीज़ में सिद्धि पाने लग जाता है। स्वभाव से नियमित किए हुए स्वधर्म रूप को कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी कभी नहीं होता है। दोषयुक्त होने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आग जलने के आरंभ में धुआं होता ही है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म के आरंभ में कोई ना कोई दोष होता ही है। इसका सार है, जब हम अपने कर्मों को पहचान कर अपना काम करते हैं तो हमारे को सिद्धि ज़रूर मिलती है।